Jai Hind Warriors, welcome to MBA Achieve Defense Exam YouTube channel. I'm Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very, very important session of Daily Current Affairs once again. Chaliye sabke sab class mein aa jaiye Warriors. Like aur share jo hai session ko ek baar apne defense aspirants ke saath kar dijiye. Jo upcoming CDS, AFCAT, NDA and CAPF ki taiyari kar rahe hain. Jitne log pehli baar channel pe aaye ho, channel ko subscribe zarur kariye aur bell icon ko dabaiye jisse ki aane wali classes ki notification aapko sabse pehle milti hai. चलिए वे क्लास स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो CDS और CAPF की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जो है इस बैच को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. 18 जून से ये स्टार्ट हो चुका है वॉरियर्स. और जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, NDA के लिए जो है ये बैच 18 जून से स्टार्ट है, तो आप लोग जो है इस बैच को लगा सकते हैं, जिसमें कि सुबह 8 बजे से जो है मंडे फ्राइडे अमित सर आपकी वोकैब लैडर लेते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के लिए जो है ऑल्टरनेट डेज पे आपके लिए क्लासेस शेड्यूल्ड है, और ऑल्टरनेट डे पे आपके लिए जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और वीकली करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए शनिवार को लेके आता हूँ, और डेली करंट अफेयर्स भी रोज 7 बजे आप लोगों के लिए आती है. एम्बाइब सिंपल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब जरूर करिए. और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं हर एप्लीकेशन का आपको एक्सेस मिल जाता है. उसके साथ साथ इंटरैक्टिव कूबोज है, लर्निंग है, हर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर कंटेंट जो है आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलता है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हैं. सबसे बेस्ट है 1 ईयर का प्लान, एंड अगर आपने MBM कॉइन कलेक्ट करे हुए हैं तो आप अप टू 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं वॉरियर्स. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है वो ये है, समर 25 बीट दी समर हीट. एक तरीके से आप समर का जो मौसम है इसको बीट कर सकते हैं, और समर 25 यूज करके अप टू 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं हर ईयरली कोर्स के ऊपर. चलिए अभी क्लास स्टार्ट करी जाए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स. पहली न्यूज देखेंगे आज के सेशन की. पहली न्यूज क्या है? देखिए भाई, जितनी भी न्यूज हम कवर करते हैं हमेशा मैं आपको बताता हूं कहां से आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है. तो पहली न्यूज आपके सामने है, जल्दी जल्दी सबके सब ध्यान देंगे वॉरियर्स. 4 AFMS ऑफिसर मेक हिस्ट्री एट 43rd मेडिकल एंड हेल्थ गेम. आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जो फौज में AMC के डॉक्टर्स होते हैं, तो उनमें से 4 डॉक्टर्स ने जो है 4 आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ऑफिसर्स हैव ब्रॉट लॉरल्स टू इंडियन आर्मी और इंडिया बाई क्लिंचिंग अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हेल्ड इन सेंट ट्रोपेज फ्रांस फ्रॉम 16 to 23rd June. अब देखिए भाई, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, किस फोर्सेस के ऑफिसर्स ने जो है 4 मेडल्स 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स में जो है 32 मेडल्स जीते हैं, या कितने ऑफिसर्स ने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. जनसंख्या 4 है, सॉरी जो नंबर है वो 4 है, ये आपको ध्यान रखना है. उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कौन से आर्म्स के है वो, कौन से कोर के है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, दीज ऑफिसर्स नेमली लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन एंड कैप्टन दानिया जेम्स मेड हिस्ट्री बाय विनिंग 19 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स. तो अब जो है भारतीय सेना, अब बात करी जाए आर्म्स की, ठीक है, इन्फेंट्री हो गया, जो फाइटिंग आर्म्स है वो तो हमारी जानी जाती है, बट अब जो मेडिकल सर्विसेज है उन्होंने भी जो है अपना परचम एक तरीके से हर जगह लहराया है. और आपको ध्यान रखना है 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में जो है टोटल 32 मेडल्स जो है हमारे 4 ऑफिसर्स ने जो है जीते हैं. इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. The World Medical Health Games, often regarded as Olympic Games of Health Professionals, has evolved into the most prestigious global sporting event within the medical community, with a legacy dating back in 1978. The games annually attract over 2,500 participants from more than 50 nations. ये आपको ध्यान में रखना है.
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की है। उत्तर प्रदेश लीड्स इंडिया इन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन। तो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, उत्तर प्रदेश जो है अब इंडिया में लीड करता है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस स्टेट ने रिसेंटली कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में लीड किया है या लीड करता है, उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश इज अ बिग प्लेयर इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट रिलीज्ड एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट शोड अप उत्तर प्रदेश कुड क्रिएट 24% ऑफ इंडियाज कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ये आपको ध्यान में रखना है। This was revealed at a symposium in Muzaffarnagar, put together CSC and Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency. The meeting was about improving waste management, finding local clean energy solution and lowering reliance on compressed natural gas imports. तो ये आपको ध्यान रखना है, इन मुजफ्फरनगर में जो है इस मीटिंग में बताया गया है ये चीज, कौन सा अब स्टेट लीड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लस साइंस एंड टेक रिलेटेड जो है ये न्यूज है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, साइंस एंड टेक रिलेटेड जो आपकी न्यूज होती है CDS CAPF में बहुत बार पूछी जाती है, स्पेशली नासा रिलेटेड न्यूज तो आती ही आती है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा। नासा वेब टेलीस्कोप कैप्चर्स गैस जेट्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार। प्लीज रिमेंबर, नासा वेब टेलीस्कोप जो है रिसेंटली जो लॉन्च किया गया था उसने कैप्चर किया है गैस जेट्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार्स। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में किस टेलीस्कोप ने जो है गैस जेट्स को कैप्चर किया है न्यू बॉर्न स्टार से। ठीक है, चंद्रा टेलीस्कोप पूछा ऑप्शन में दिया जा सकता है, हबल टेलीस्कोप आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, वेब टेलीस्कोप आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, नन ऑफ द अबव भी बोला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है वेब टेलीस्कोप ने जो है ये कैप्चर किया है। NASA James Webb Telescope captured jets of gas from newborn stars for the first time, revealing a line elongated structure that records star formation. The telescope infrared capabilities allowed it to pierce through the thick dust in Serpens Nebula 1300 light years away, uncovering young stars and their outflows. So, इतना बड़ा universe है, तो 1300 light year दूर जो है dust से गुजरते हुए उसकी infrared capabilities ने इसको जो है खोज निकाला है, capture कर दिया है। James Webb Telescope was launched in December 2021. American Space Agency gave astronomers and space enthusiasts their first view even ever of jets of gas hurtling outwards from newborn star and smashing into cosmic gas and dust at high speed. ठीक है, तो ये phenomena जो है पहली बार capture किया गया है James Webb Telescope द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। Serpens Nebula में जो है वहां पर stars को जो newborn stars होते हैं वहां पर ये जो बेसिक चीज है ये कैप्चर करी गई है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पूछा जा सकता है कितने लाइट ईयर दूर है, 1300 लाइट ईयर दूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा नेबुला है, सर्पन नेबुला है, किस टेलीस्कोप ने किया है, जेम्स टेलीस्कोप ने ये कैप्चर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन लॉन्च्ड। ठीक है, तो इंडिया का पहला जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया गया है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाया ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एट कास्ता कोल ब्लॉक इन जमतारा झारखंड। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, किन्होंने इसको इनिशिएट किया है, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है इसको इनिशिएट किया है, कहां पर किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। जमतारा में जो है इसको किया गया है। ठीक है, जमतारा झारखंड में जो है इसको किया गया है, ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, जमतारा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, दैट्स इट। द प्रोजेक्ट एम्स टू कन्वर्ट कोल इंटू वैल्यूएबल गैसेज लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एनहेंसिंग द कोल सेक्टर एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अगर पूछा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन में दिया जा सकता है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय दिस मिनिस्ट्री,
तो आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल सही आंसर होगा उसमें ऑप्शन में। इट वॉज लॉन्च एट फलाना फलाना, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है जमतारा झारखंड में जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट को। उसके साथ साथ एम भी पूछा जा सकता है, तो इसका मेन एम भी आपको ध्यान रखना है। इसका मेन एम जो है दैट इज कन्वर्ट कोल इंटू वैल्यूएबल गैसेज लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एनहेंसिंग द कोल सेक्टर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। द कस्ता कोल ब्लॉक इन जमतारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज द साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स इनॉग्रल अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट इन इंडिया। अ प्रेस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट दिस एफर्ट रन बाय ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इंटेंड्स टू ट्रांसफर द कोल बिजनेस बाय यूजिंग इनसिटू गैसिफिकेशन टू ट्रांसफॉर्म कोल इंटू यूजफुल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड हाइड्रोजन। तो जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वही चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। इसका मेन एम क्या है, जो कोल है उसका जो है अच्छे तरीके से यूज किया जाए, CO2 बनाई जाए, मीथेन बनाई जाए, हाइड्रोजन बनाया जाए। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है इसको इनिशिएट किया है, काम कौन करेगा वहां पे ये भी आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है वहां पे काम करेंगे। तो ये न्यूज आपकी कवर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ वॉरियर्स। यूपी टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। ये भी नेशनल प्लस इकोलॉजी रिलेटेड न्यूज है। पूछी जा सकती है कि विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर, जो बहुत बड़ी वल्चर होती है, उसका ब्रीडिंग सेंटर जो है कौन सा स्टेट जो है बेसिकली उसको एस्टैब्लिश कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपी में जो है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एट महाराजगंज डेडिकेटेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर लिस्टेड इन IUCN's रेड लिस्ट। The center will address habitat loss and danger posed by the diclofenac in domestic animals. ठीक है, the center aims to ensure the good health of growing vultures and provide them with pair. The facility aims to improve the population of species which has been listed as critically endangered in the International Union फॉर कंजर्वेशन नेचर लिस्ट 2007। इसको जो क्रिटिकली एंडेंजर बोला गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो इसको फैसला किया गया है भाई, अब यूपी में जो है इसका कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अपॉइंटमेंट ऑन ऑनर्स या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज, ये हमारी कैटेगरी है। मृणाल कुमार दास अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना है सबको। मृणाल कुमार दास जी को जो है सेलेक्ट किया गया है एज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दास हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू सेट पोस्ट अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फॉर पीरियड ऑफ 5 years। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इनको जो है सेलेक्ट किया गया है। दास इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर्स ऑफ 2007 बैच। नाम जो है आपको ध्यान रखना है, मृणाल कुमार दास अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं कि किसको अपॉइंट किया गया है, वन लाइनर, ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मृणाल कुमार दास। ये आपको ध्यान रखना है, ही इज अ IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है ये। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो है इनको चूज किया गया है। चलिए भाई, अब आती है आपकी डिफेंस नॉलेज की न्यूज, दैट इज इंडियन आर्मी ओपन्ड कलुबार वॉर मेमोरियल इन लद्दाख। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारतीय सेना ने जो है खोल दिया है, एक तरीके से वॉर मेमोरियल ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है लद्दाख में। नाम आपसे पूछा जा सकता है, कलुबार वॉर मेमोरियल जो है ओपन किया गया है, या फिर पूछा जा सकता है कहाँ ओपन किया गया है, या फिर पूछा जा सकता है किसके द्वारा ओपन किया गया है। तो इंडियन आर्मी ने जो है इसको ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है कलुबार वॉर मेमोरियल इन लद्दाख, कोमेमोरेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस। इट इज लोकेटेड इन आर्यन वैली। द मेमोरियल ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स इंक्लूडिंग कैप्टन मनोज पांडे
परमवीर चक्र हु रिकैप्चर्ड द एरिया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. द ओपनिंग सेरेमनी इंक्लूड अ ट्रैक टू बॉटल साइट लेड बाय द ब्रिगेडियर ओपी यादव. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. चलिए भाई, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, वो है आपका क्वेश्चन का. तो जल्दी जल्दी भाई पहले का आंसर आंख बंद करके आप लोग बता दीजिए, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए. विच इवेंट डेड फॉर AFMS ऑफिसर क्लिंच 32 मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स या फिर एशियन गेम्स? हां जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. बिल्कुल सबका सही आंसर है, दैट इज वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वेयर वॉज 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हेल्ड? कहां पर ये हुए थे? ये आपको एक्सप्लेन करके बताया गया था. नई दिल्ली, लंदन, सेंट ट्रोपेज फ्रांस या फिर टोक्यो जापान? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स, बिल्कुल सही आंसर है, सेंट ट्रोपेज फ्रांस में जो ये गेम्स हुए थे. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई. शाबाश, वेरी गुड. Images of Mars, gas jets from newborn star, ring of Saturn, surface of Venus. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है. गैस जेट्स फ्रॉम newborn star जो है कैप्चर करे है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने. आगे बढ़ेंगे. विच नेबुला डिड द जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑब्जर्व टू कैप्चर द गैस जेट्स? ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मैंने उस टाइम पढ़ाते टाइम भी बोला था इसको आपको ध्यान में रखना है. लेट्स सी किस किस को याद है. जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट करके. शाबाश. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट. सर्पेंस नेबुला इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट. महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा? हां जी, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? बिल्कुल सही है, झारखंड इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन. वेयर विल द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? यूपी जो है सही आंसर है. एज अ स्टेट विश्व का पहला जटायु बिग वल्चर के लिए जो है ये कंजर्वेशन बनाया गया है, लेकिन कहां पर? लखनऊ में, वाराणसी में, पहाड़गंज में या फिर आगरा में? बिल्कुल सही है, महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. खालूबार वॉर मेमोरियल कहां पे एस्टैब्लिश या फिर इनॉग्रेट किया गया है या ओपन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही आंसर है, लद्दाख। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इंडियन आर्मी ने जो है इसको ओपन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से जो है डेली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज मैं लेके आता रहता हूँ। और आपको जो बस एक काम करना है, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है। और कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, डिफेंस एग्जाम रिलेटेड, CDS, NDA, AFCAT, SSB इंटरव्यू एंड CAPF एज वेल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए और उसका आंसर मैं आपको खुद वीडियोस में और लाइव क्लास में दिया करूंगा। और MBA की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए, डाउनलोड जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और MBMs अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए वहां पे जो है रेगुलर बेसिस पे क्विजेज आते रहते हैं, क्विजेज के साथ साथ क्लासेस के लिंक्स भी आपके साथ शेयर होते हैं। डाउट रेजोल्यूशन में आप अपना डाउट हमेशा पूछ सकते हैं, 24 घंटे हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए आंसर्स लेके आते रहते हैं। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। कीप इम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।